आज जो पीसी करने का मेन मकसद है, क्योंकि लगातार लल्लू जी की डेट पे डेट दी जा रही है, रिहाई नहीं की जा रही है, हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस ने एक, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, सत्याग्रह का आंदोलन हमने शुरू किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को हम लोग खाना खिलाएंगे, जो कांग्रेस की महारसोई के नाम से शुरू होगी। और आज पीसी के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, 10 लाख पोस्टर बनाए जाएंगे जो जगह जगह पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे लल्लू जी की रिहाई के लिए। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर उनकी रिहाई चाहते हैं, ये हमारा अभियान है। और उसी हिसाब से हर ज़िले में ये प्रोग्राम और रसोई चलाई जाएगी कि कांग्रेस का हाथ मजदूरों के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये हमारा अभियान शुरू होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि आपको हर ज़िले में हमारे कार्यकर्ता नज़र आएंगे, अभी भी लगातार संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें, हम लोग जो भी जितना कर पाया है कांग्रेस के, अब तक हमने करीब 90 लाख लोगों को कांग्रेस खाना खिला चुकी है, गरीब मजदूरों को, उनके करीब 46 लाख लोगों को हम लोग उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। ये अभी जो नियम हमने बनाया है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारा जारी रहेगा, चाहे हम पे कितने जुल्म हो। ये हम मानते हैं कि ये कांग्रेसियों के लिए सौगात है, और कोई बात नहीं, वो अत्याचारों की हद करे, हम जुल्म सहने की हद करेंगे। नमस्कार। कब तक चलेगी रसोई का कार्यक्रम, कितने दिन का रहेगा? देखिए, अभी हमने कहा कि हमारा लक्ष्य 25 लाख लोगों का है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दूसरी रणनीति हम तय करेंगे। मगर जब तक हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और जो 60 कांग्रेसियों पे मुकदमे लगाए गए हैं उल्टे सीधे, और उन पर बंद किए गए, अभी मथुरा में भी हमारे जिला शहर अध्यक्ष, महिला दोनों अध्यक्ष हमारी बंद है, करीब 9 लोगों को बंद किया है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की क्या हमें अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं हैं? हम क्यों अपनी बात नहीं कह सकते? अगर हम गलत अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते, प्रियंका जी ने क्या गलत किया था? अगर 1000 बसें प्रवासियों के लिए मदद के लिए दी थी, उन्होंने ये बोला था कि आप अपने झंडे लगा दीजिए, अपने बैनर लगा दीजिए, ये गुनाह था? ये लड़ाई अजय कुमार लल्लू जी ने अगर लड़ी या कांग्रेसियों ने लड़ी, तो ये हमारा कसूर है, तो हमें स्वीकार है, हम ऐसे गुनाह करते रहेंगे। नमस्कार। एक बात को समझने की, सरकार के हर गलत काम और सही काम को देखते हुए पोलराइजेशन नहीं होने दिया। इन्होंने कभी तबलीगी जमात की बात करी, कभी इन्होंने दिल्ली की और बात करी, ईद पे भी इन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन जनता ने उसको माना। यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं हुआ, यह भारतीय जनता की बहुत बड़ी जीत है। और चाहे मस्जिद बंद की, मंदिर बंद किए, जनता उसको मान रही है। इनको यही तकलीफ है कि यहाँ पर अनरेस्ट क्यों नहीं फैल रहा है। हम कांग्रेस वाले हमेशा से इसी की कोशिश में रहे हैं और अब भी हैं कि हम जनता की सेवा करें। एक बड़ी मज़े की बात है कि डेमोक्रेसी में विरोधी दल होना चाहिए। दुर्भाग्य से विरोध के नाम पर इस वक्त बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, लेकिन बजाय इसके कि एक स्वस्थ विरोधी दल को तैयार करें, यह हर बात का मजाक बनाती है। पंडित नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी, ये जाने माने नेताओं की भी तारीफ करने को तैयार नहीं है, और हर बात पर पप्पू जैसी बातें, मजाक जैसी बातें और बेहूदी जैसी बातें करते हैं। ये बहुत अनुचित है, और इसलिए पब्लिक को आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ कहने का हक है, जिससे कि एक डेमोक्रेसी बनी रहे। नहीं तो ये विरोध चाइना का कर रहे हैं और चाइना की लाइन पर चल रहे हैं। हम लोग जो शुरू से खादी पहनते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आज हमसे कहते हैं कि तुम चाइना का नाम भी मत लो। इतनी बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगाई, चाइना से बनवा के मंगाई, और अब हमसे कह रहे हैं चाइना का नाम मत लो। अरे भाई, हम तो हमेशा स्वदेशी की बात करते थे, आज भी स्वदेशी की बात करते। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।